आज के वीडियो में हम देखने वाले क्रिएटिंग अ सिंपल वेब एप्लीकेशन, हाउ टू क्रिएट अ सिंपल वेब एप्लीकेशन। तो सिंपली हम इसको देखने वाले, तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसके लिए आपके सिस्टम के अंदर विजुअल स्टूडियो 2010 2019 जो भी आपको रिक्वायर्ड है आपके सिस्टम के अकॉर्डिंगली आप इंस्टॉल कर सकते हैं। तो किस तरह से इंस्टॉलेशन करना है कि उसकी लिंक आपको ऊपर आई बटन पे मिल जाएगी। सो लेट्स स्टार्ट करते विद एन विजुअल स्टूडियो 10। सो क्रिएटिंग ASP.NET प्रमोट अ रैपिड डेवलपमेंट ऑफ एन वेब एप्लीकेशन विद द हेल्प ऑफ ASP.NET। क्रिएशन ऑफ अ वेब एप्लीकेशन हैज मेड अ वेरी इजी टास्क। इस जैसे कि ASP.NET जो डेवलपर एनवायरमेंट हमें प्रोवाइड किया है उसके अंदर हम सिंपल से सिंपल वे में यहाँ पे विजुअल स्टूडियो के थ्रू ASP.NET एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हैं। तो लेट्स फर्स्ट लर्न टू क्रिएट अ सिंपल वेब एप्लीकेशन यूजिंग अ विजुअल स्टूडियो 2010 विथ एक्सेप्ट द यूजर नेम इन द टेक्स्ट बॉक्स एंड डिस्प्ले इट ऑन आफ्टर द यूज अ क्लिक बटन। कि सिंपल हम क्या करेंगे, एक टेक्स्ट बॉक्स के अंदर यूजर का नेम लेंगे एंड आफ्टर क्लिकिंग अ बटन, कि बटन को हम क्लिक करने के बाद वो नेम हम क्या करेंगे, डिस्प्ले करेंगे। ओके, एक सिंपल टास्क हम इसके अंदर हमारे वेब एप्लीकेशन के अंदर करने वाले। तो उसके लिए कुछ स्टेप्स लगने वाले, तो स्टेप्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे कि कौन कौन से स्टेप्स हमने फॉलो किए थे। सिमिलर वन बाय वन स्टेप यहाँ पे हम परफॉर्म करते। तो फर्स्ट गो टू अ स्टार्ट मेनू। ये स्टार्ट मेनू में जाके आपको ऑल प्रोग्राम्स के अंदर जाना है एंड यहाँ पे आपको जो आपका विजुअल स्टूडियो है सर्च करना है कि विजुअल स्टूडियो कहाँ पे है एंड विजुअल स्टूडियो सिलेक्ट करना है। अदरवाइज सेकेंड ऑप्शन आपके पास है सिंपल कि आप ऊपर स्टार्ट में लिख सकते हो, सर्च कर सकते हो विजुअल स्टूडियो 2010 जो हमारे पास है उसको सिलेक्ट करेंगे हम, तो उसके अकॉर्डिंगली आपका विजुअल स्टूडियो 2010 ओपन हो जाएगा। ये हम बेसिक से बेसिक सभी कंसेप्ट यहाँ पे लेके चलने वाले। देन सेकंड, क्लिक अ न्यू प्रोजेक्ट लिंक टू क्रिएट अ न्यू वेबसाइट्स। ओके, सो हम क्या करेंगे उसके लिए फाइल्स, देन फाइल्स के बाद न्यू वेब एप्लीकेशन और वेबसाइट। ओके, तो क्रिएट न्यू, क्रिएट के बाद फाइल न्यू वेबसाइट। तो वेबसाइट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको एक इंटरफेस आएगा जैसे कि न्यू वेबसाइट। सो यहाँ पे नंबर्स ऑफ वैराइटीज ऑफ एप्लीकेशन ऑप्शन आपको मिल जाएंगे टू क्रिएटिंग अ वेबसाइट। तो हमें सिंपल वेबसाइट क्रिएट करने है तो यहाँ पे आप ASP.NET एम्प्टी वेबसाइट से लेंगे। और सेकेंडरी ऑप्शन यहाँ पे आपको मिल जाता है कि इंस्टॉल टेम्पलेट, कि कौन कौन से टेम्पलेट इसके अंदर अवेलेबल है। जैसा कि आपको विजुअल बेसिस के अंदर आपकी वेबसाइट क्रिएट करनी है, सो आप यहाँ पे विजुअल बेसिक सिलेक्ट कर सकते हैं, या विजुअल सी शार्प के अंदर आपको करना है तो विजुअल सी शार्प सिलेक्ट कर सकते हैं। मोस्ट प्रोबेबली हम सी शार्प यूज करते हैं, सी कंसेप्ट यूज करते हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे यहाँ पे विजुअल सी शार्प को सिलेक्ट करेंगे एंड उसके अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे ऑप्शन एम्प्टी वेबसाइट सिलेक्ट करेंगे। देन नेक्स्ट आपको यहाँ पे फ्रेमवर्क भी हम सिलेक्ट कर सकते अकॉर्डिंग टू यू कि आपको कौन सा फ्रेमवर्क यूज करना है। जैसे कि मेरे सिस्टम के अंदर 0.20 से 3.0, 3.5 एंड 4 के एल मोर फ्रेमवर्क होंगे, तो मोर फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंगली हम न्यू फ्रेमवर्क भी यहाँ पे ले सकते हैं। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंपल हम यहाँ पे एक एम्प्टी वेबसाइट सिलेक्ट करेंगे या एम्प्टी वेब एप्लीकेशन के आपके विजुअल स्टूडियो के अकॉर्डिंगली ऑप्शन अलग अलग आपको प्रोवाइड हो सकते हैं। देन आपको क्या करना है, देन आपको यहाँ पे पाथ या फाइल सिस्टम के अकॉर्डिंगली कौन से फाइल सिस्टम आपको यूज करना है, फाइल सिस्टम यहाँ पे दे सकते हो। हम नॉर्मली फाइल सिस्टम यूज करेंगे वेब लोकेशन के लिए एंड जो आपको पाथ देना है, जैसे कि ब्राउज करेंगे और आपके सिस्टम के अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे पाथ प्रोवाइड कर सकते हैं। सो मेरे पास ई ड्राइव है, सो ई ड्राइव को हम क्या करेंगे, ओपन करेंगे, यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट करेंगे न्यू डेमो। ओके, सो यहाँ पे हम न्यू डेमो ओपन करेंगे, तो यहाँ पे पाथ आ गया, देन क्लिक ऑन ओके। तो ओके करने के बाद जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाई देगा
कि आपके सिस्टम के अंदर प्रोजेक्ट ओपन हो गया है करके। ओके, देन प्रोजेक्ट ओपन होने के बाद यहाँ पर तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। फर्स्ट सॉल्यूशन एक्सप्लोरर जो आपके राइट साइड में है, देन सेकेंड उसकी प्रॉपर्टी, एंड देन नेक्स्ट जब आप डेटाबेस के साथ कनेक्ट करोगे तो डेटाबेस के लिए सर्वर एक्सप्लोरर। ओके, तो तीन चीज़ें आपका एक्चुअल होल प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करने के लिए आपको यूज होने वाले हैं। ओके, देन नेक्स्ट आपको क्या करना है, सिंपल जो आपका सॉल्यूशन एक्सप्लोर है तो उसके अंदर हम नंबर ऑफ जो वेब एप्लीकेशन है, वेब फॉर्म आपको रिक्वायर्ड है, वो वेब फॉर्म यहाँ पे हम ऐड करेंगे। वेब फॉर्म ऐड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपल राइट क्लिक ऑन सॉल्यूशन, देन यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे न्यू आइटम या ऐड न्यू आइटम। देन ऐड न्यू आइटम के अंदर भी सेम आपको दो इंस्टॉल टेम्पलेट दिखेंगे, विजुअल बेसिस या सी शार्प, जो आपको सिलेक्ट करने। तो सिंपल वेब एप्लीकेशन के लिए हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे सिंपल वेब फॉर्म। ओके, देन यहाँ पे उस वेब फॉर्म का नाम डिफाइन कर सकते जैसे कि सिंपल डेमो। ओके, सिंपल डेमो, सिंपल एग्जांपल या आपके पेजेस के अकॉर्डिंगली, लॉग इन, रजिस्ट्रेशन, जो भी आपका पेज होगा उसके अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे नेम डिफाइन कर सकते हैं। देन नेक्स्ट यहाँ पे ऑप्शन आपको देता है कि जैसे कि प्लेस कोड इन अ सेपरेट फाइल, इफ आपको सेम जो आपकी सी एस फाइल होगी तो सेम कोड के साथ रिक्वायर होगी तो सेम पेज के ऊपर आ जाएगी, या सेपरेट फाइल रिक्वायर होगी तो इसलिए आप सेपरेट फाइल भी यहाँ पे ऑप्शन दे सकते हैं। तो हमें सेपरेट फाइल चाहिए और बेटर अंडरस्टैंडिंग, सो हम यहाँ पे सेपरेट ऑप्शन सिलेक्ट रहेगा बाय डिफॉल्ट। ओके, तो क्लिक ऑन ऐड। आफ्टर एडिंग यहाँ पे जैसे कि आपको सेपरेट फाइल सी एस फाइल भी मिल गई और एक स्पेस जो आपकी डिजाइन फाइल भी आपको यहाँ पे मिल गई। सो इन अ ए स्पेस फाइल इन दिन आपकी डिजाइन कोड फाइल होगी तो उसके अंदर आपको तीन चीजें मिल जाएगी। फर्स्ट डिजाइन, जैसे कि आपकी फॉर्म की डिजाइन किस तरह से होने वाली है। देन सेकेंड उसका सोर्स, ओके, सोर्स इन द सेंस वो डिजाइन का कोड क्या हो सकता है या क्या होना चाहिए वो हम यहाँ पे देख सकते हैं। एंड देन स्प्लिट इन द सेंस उसके अंदर आपको डिजाइन भी दिखेगा, कोड भी दिखेगा। ओके, डिजाइन एंड कोड को आप एक साथ भी यहाँ पे यूज कर सकते हो साइमल्टेनियसली। सो हम यहाँ पे सिर्फ सोर्स के ऊपर फोकस करेंगे। देन अभी नेक्स्ट आपको क्या करना है इसके अंदर, जैसे कि हमने बोला कि टेक्स्ट बॉक्स, लेबल, बटन। ओके, तो ये तीन कंट्रोल टेक्स्ट हमें यहाँ पे ऐड करने, जो तीन टूल्स ऐड करने, तो उसके लिए आपको चाहिए टूल बॉक्स। तो टूल बॉक्स आपके लेफ्ट हैंड साइड में आपको मिल जाएगा। इफ यहाँ पे आपको टूल बॉक्स नहीं मिला तो सिंपल आपको व्यू में जाना है एंड यहाँ पे टूल बॉक्स ऑप्शन सिलेक्ट करना है। तो टूल बॉक्स सिलेक्ट करने के बाद ये आपका टूल बॉक्स आपको मिल जाएगा। देख, टूल बॉक्स मिलने के बाद आपको क्या करना है, सिंपल लेबल फॉर टेक्स्ट, तो आप इसको ड्रैग कर सकते हो बस फॉर लेबल। देन नेक्स्ट आपको चाहिए टेक्स्ट बॉक्स, तो डबल क्लिक करो या ड्रैग करो, दोनों भी सेम होने वाले। देन नेक्स्ट आपको यहाँ पे चाहिए बटन। ओके, सो लेबल, टेक्स्ट, बटन, तीनों को भी हमने यहाँ पे असाइन कर दिया। सो यहाँ पे ऐड करते हैं, नेम देते हैं हेलो वर्ल्ड, जो लेकिन जो एक नेम होना चाहिए। देन यहाँ पे बटन पर देंगे सबमिट। ओके, सो डिजाइन इस तरह से आपकी दिखेगी, हेलो टेक्स्ट बॉक्स बटन। ओके, इसको थोड़ा सा अच्छा दिखने के लिए हम क्या करते हैं इसके अंदर बी आर टैग ऐड करते हैं, तो जो भी कंटेंट होगा हमारा या टूल्स होंगे वन बाय वन नेक्स्ट लाइन में आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। सो हेलो टेक्स्ट बॉक्स एंड नेक्स्ट बटन। ओके, सो नेक्स्ट हम क्या करेंगे यहाँ पे कि जैसे कि जो हमने बोला था हमारा टाइटल, कि जो भी वैल्यू हम टेक्स्ट बॉक्स के अंदर फिल करेंगे एंड सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे, सो हेलो वर्ड के बाद ये जैसे कि लेबल के बाद वो नाम क्या यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। तो सिंपल हम क्या करेंगे, जाते सबमिट। ओके, तो इसकी प्रॉपर्टी क्लिक इवेंट लिखने के लिए आपको सिंपल इसके ऊपर डबल क्लिक करना है। तो डबल क्लिक करने के बाद जो डबल
बटन क्लिक इवेंट है यहाँ पे एक्टिव हो जाएगा। सो बटन क्लिक इवेंट के ऊपर आपको लिखना है वैल्यू। सो लेबल वन का जो टेक्स्ट प्रॉपर्टी हमने असाइन किया था, ये आपको याद नहीं हो रहा तो मैं यहाँ पे रिवाइंड कर देता हूँ। इस सोर्स कोड के अंदर लेबल वन, देन उसका जो टेक्स्ट प्रॉपर्टी हमने लिखा था हेलो वर्ल्ड, तो उसके आगे हमें लिखना है प्लस इक्वल टू, इन द सेंस इंक्रीमेंट ऑपरेटर, क्या लिखना है टेक्स्ट बॉक्स वन डॉट टेक्स्ट। ओके, सो इससे क्या होगा, जो लेबल का नेम होगा जैसे कि हेलो वर्ल्ड प्लस जो भी हम नेम इंसर्ट करेंगे वो नेम यहाँ पे ऐड हो जाएगा ऑन सबमिट बटन। तो इसको हम सिंपली सेव कर देते हैं, देन यहाँ पे भी इसको हम सेव कर देते हैं। ओके, इफ आप इसको सेव नहीं करोगे जैसे कि आपको कैसे आइडेंटिफाई होगा फाइल सेव हुई कि नहीं, तो सिंपल आप देख सकते हो कि नेम के ऊपर एक स्मॉल सा स्टार आपको या एस्टिक सिंबल दिखाई देगा फाइल नेम के ऊपर, तो उसके अकॉर्डिंगली आप डिफाइन कर सकते हो या जज कर सकते हो कि फाइल हमने सेव की या नहीं की। ओके, देन नेक्स्ट सेव करने के बाद सिंपल आपको F5 करके इस प्रोजेक्ट को रन कर सकते हो, स्टार्ट डिबगिंग। सो हम यहाँ पे करेंगे स्टार्ट डिबगिंग, तो या उससे पहले हम सिंपल राइट क्लिक कर सकते हैं यहाँ पे एंड व्यू इन ब्राउजर। कि व्यू इन ब्राउजर भी आपको स्पेसिफिकली यूज हो सकता है कि जहाँ पे आपके मल्टीपल पेजेस हो, तो उस सिनेरियो में आप व्यू इन ब्राउजर भी कर सकते हैं। एंड ओके, यहाँ पे थोड़ा सा स्माइल साइज बढ़ा देता हूँ तो आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, आपको दिखने के लिए। सो हेलो वर्ल्ड AJ हियर, सो सबमिट। ओके, आफ्टर सबमिट यहाँ पे हम देख सकते कि ऐड हो गया AJ हियर कंसोलिडेटेड टेक्स्ट सॉल्यूशन। आप आपके अकॉर्डिंगली भी लिख सकते हो आपके एग्जांपल के अंदर, क्लिक ऑन सबमिट, तो जितने आप नेम दोगे उसके अकॉर्डिंगली वो ऐड होता रहेगा। ओके, इफ आपको कोई इस वीडियो के अगर अकॉर्डिंगली कोई भी डाउट क्वेरी या सजेशन होगा सो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम उसको फुलफिल करने की कोशिश करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।